नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आगामी पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट, तेज होते प्रत्याशियों की हत्या और उनके ऊपर जानलेवे हमले शुरू हो गए हैं। ताजा मामला आजमगढ़ जिले के अहिरौला थाना क्षेत्र का है, जहां देर शाम बाइक सवार बदमाशों ने एक मिठाई दुकानदार और ग्राम प्रधान प्रत्याशी को गोली मार दी। पैर पर गोलियां लगने के बावजूद दुकानदार ने बदमाशों से संघर्ष किया तो हवाई फायरिंग करते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। घटना के पीछे ग्राम प्रधानी के चुनाव का मामला निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि बदमाश दुकान पर पहुंचते ही सवाल किए, चुनाव लड़ोगे क्या, उसके बाद गोलियां चला दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। अहिरौला थाना क्षेत्र के गजरौला भदौरा गाँव निवासी शिवाश्रय यादव 39 वर्षीय पुत्र रामपद की गोपालगंज बाजार में मिठाई की दुकान है। शिवाश्रय ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। रात में करीब 8:30 बजे वह दुकान पर बैठकर किशुनदेवपुर के ग्राम प्रधान लालमन यादव से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान एक बाइक से 3 युवक दुकान पर अचानक आ धमके। शिवाश्रय उन्हें ग्राहक समझकर मुखातिब हुए तो एक बदमाश ने सवाल किया कि ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ोगे। वह कुछ समझ पाते कि एक बदमाश ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वह दुकान में अंदर की ओर भागने लगे, लेकिन दाहिने पैर में 2 गोली लगने से लहूलुहान होकर वही गिर पड़े। गोलियों की आवाज सुनकर पास पड़ोस के दुकानदार रागीर जहां थे वहीं छिप गए। शिवाश्रय ने बदमाशों को रोकने के लिए दुकान के अंदर पड़े ईंट पत्थर इत्यादि फेंकना शुरू कर दिया। बदमाशों के भागने के बाद लोग शिवाश्रय को लेकर मंडली अस्पताल भागे, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं इस मामले में परिजनों ने बताया कि करवा चौथ के दिन विपक्षियों ने शिवाश्रय का चुनावी पोस्टर को फाड़ दिया था। उसे चुनाव न लड़ने की धमकी भी दी गई थी। ग्राम प्रधानी के चुनाव की आहट मिलने के साथ ही खून खराबा शुरू हो गया है। पुलिस ने बीट पुलिसिंग के बल पर अंकुश का दम भरी थी, लेकिन जमीन पर कुछ और ही दिखाई दे रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक सुधीर सिंह ने बताया कि पीड़ित द्वारा एक नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। जो नामजद है उसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। बाकी घटना का खुलासा जल्द कर दिया जाएगा। हमको नहीं पता चला, 3 अज्ञान लोग आए और हमारी दुकान पर हम बैठे थे, वो आए झुक कर गोली मारे और उसके बाद बोले साले तुम प्रधानी लड़ रहे हो, घोसले वाले गोली दिए और उसके बाद सर जो है फिर हम अंदर भाग गए। वहाँ समोसे की किस्ती थी, हम लेकर उनके ऊपर फेंके हैं। तो उसके बाद हम बाहर सर आ गए और वो लोग गाड़ी पर बैठ कर कई फायर हमारे ऊपर किए और वहाँ पर बाइक पर बैठ कर 2-3 फायर किए, उसके बाद चले गए। फिर उसके बाद हम देखे हैं तो हमारे पैर से ब्लड बह रहा था, तो हमें लगा कि मतलब तुरंत सदर चले आए। तो आप लोग पहचान नहीं पाए कि कौन कौन लोग थे? थे सब जी। तो मतलब प्रधानी चुनाव लेके जी वो बोले हैं जी इस तरह। नहीं नहीं, तो कहाँ गोली लगी आपको, कहाँ किससे? सर यहाँ पैर में लगी जी। दुकान में बैठे थे, 4 लोग बदमाश आए, जो 3 लोग थे एक बाइक पे और जो मुँह बांधे थे उनसे पैसा प्रधानी लड़वाई, इस बार गोली मार दी। क्या लगता है आपको, पुरानी रानी की बाइक? अच्छा, क्यों मार दी गोली, क्या लगता है? कभी नहीं कुछ बताया। पुरानी रानी कोई पुरानी रानी चुनाव है, चुनाव में क्या है? कहाँ कहाँ लगी गोली? गोली जांघ में। अच्छा, तो यहाँ पर आए तो डॉक्टर साहब क्या कहें? कौन सा गाँव है? गोपालगंज गाँव है। देखिए गोपालगंज है, वहाँ एक मिठाई की दुकान है और वहाँ पर वो बैठे हुए थे तो उनके एक CCTV फुटेज में दिखाया गया, 3 लड़के आए और एक उन्होंने जमीन पे गोली मारी और रिकोचेट होके उनके टांग में लगी।
अगर सीधा मारने का उनका पर्पज होता तो वो गोली सीधी मारते, उसमें क्लियर है कि उन्होंने जमीन पे गोली मारी और रिकोचिट होके वो उनकी टांग में लगी, और उसके बाद वो तीनों हेलमेट लगाए हुए थे, दो नकाब लगाए हुए थे, तीनों लोग भाग गए। इस संबंध में उन्होंने एक व्यक्ति के खिलाफ नामजद FIR कराई, बाकी दो व्यक्ति अज्ञात दिखाए गए हैं। पूरी जानकारी की गई है, कुछ संदिग्ध लोग और भी उसके घटना के तत्काल बाद कुछ संदिग्ध लोग प्रकाश में आए थे, जिन्हें बाद में कोतवाली में पूछताछ के लिए रोका गया है, और ये घटना बहुत जल्दी वर्कआउट की जाएगी। कारण क्या है? देखिए, ये उनके द्वारा जो बताया गया, कुछ आपस में गांव में कुछ उनकी झड़प एक जो नामजद कराया उससे हुई थी, कुछ आपस में कहा सुन हुई थी, उसी आधार पर उन्हें नामजद कराया, लेकिन उस व्यक्ति को जिसे उन्होंने नामजद कराया उसे भी थाने लाकर पूछताछ की जा रही है, और अभी बहुत सारी स्थिति क्लियर नहीं है, बहुत जल्दी इसे क्लियर किया जाए। देखिए, प्रधानी के चुनाव की तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, हर किसी को वो रंजिश नहीं होता, क्योंकि जिस आदमी से वो रंजिश दिखा रहे हैं वो आदमी को थाने पे बुलाकर पूछताछ की जा रही है, और अभी तक कोई ऐसी चीज सामने नहीं आई कि उस कारण से ये घटना हुई, हो सकता कोई और बात हो। और जैसे मैंने बताया कि गोली को वो पहले जो CCTV में दिखाया गया वो जमीन पे एंगल करके उन्हें मारा, रिकोचिट होके फिर गोली लगी, तो पर्पज उनका कुछ डराने का था, हो सकता है वो और बात भी रही हो। सारी चीजें, सारी जो एंगल्स हैं उन पर जांच की जा रही है, और इसे बहुत जल्दी वर्कआउट किया जाए। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।